दोस्तों सैमसंग की टॉप लोड वॉशिंग मशीन में अगर डोर स्विच ख़राब हो जाता है या फिर डोर स्विच डिटेक्ट नहीं होता है तो डी एरर आता है। आप उसके लिए वॉशिंग मशीन के पीछे के दो नट खोल लीजिए और इस कवर को आराम से निकाल लीजिए। इसमें ये जो डोर स्विच है इसके कनेक्टर आप निकाल लीजिए और उसके ऊपर हमें चेक करना है कहीं कार्बन तो नहीं जमा है ना। अगर किसी भी कनेक्टर पर कार्बन होता है तो वो पीसीबी तक सप्लाई नहीं जाएगा और डी एरर आएगा। तो इस कंडीशन में दोनों कनेक्टर जो है इसके ऊपर का कार्बन हमें ब्रश और आईपी लिक्विड की सहायता से क्लीन करना है। ये क्लीन करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने चेक किया कि उसमें कार्बन भी नहीं जमा है तो आप क्या कीजिए, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे सेट कीजिए और डोर स्विच के दोनों कनेक्टर पे लगाइए। अब आप क्या कीजिए, डोर को लगाइए और डोर को ओपन कीजिए। जब डोर बंद रहेगा तब कंटिन्यूटी आनी चाहिए और डोर जब आप ओपन करोगे तब कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आपका डोर स्विच ओके है। अगर इस तरह से काम नहीं करता है तो डोर स्विच ख़राब है, आप उसको बदल दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ ही आपको देखना है कि डोर में लगे जो हिंजेस है या फिर स्विच में जो हिंजेस लगे हैं दोनों में से एक भी अगर टूट जाएगा तो इसकी जो मूवमेंट है ये बंद हो जाएगी। अगर ऐसा होता है तो जो भी हिंजेस टूटे हुए हैं आप उस पार्ट को बदल दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर बैक साइड में सब ओके है तो आप आगे का पीसीबी का पैनल खोल लीजिए, दोनों नट खोल के इसको आराम से खींच लीजिए। यहाँ पे जो डोर स्विच का कनेक्टर है इसको निकाल लीजिए, कंटिन्यूटी पे मल्टीमीटर सेट कीजिए। अब आपको डोर स्विच से लेके ये जो कनेक्टर है पीसीबी में लगा यहाँ तक की कंटिन्यूटी लेनी है। इसमें कंटिन्यूटी प्रॉपरली आनी चाहिए, अगर इसमें कंटिन्यूटी नहीं आती तो वायरिंग ख़राब है समझ लेना और आप वायरिंग बदल देना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने कंटिन्यूटी लेने के बाद आपको मालूम पड़ता है कि वायरिंग ओके है, कंटिन्यूटी आ रही है, तो आखिर में आपको पीसीबी रिपेयर करवानी पड़ेगी या फिर नई पीसीबी डालनी पड़ेगी, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा।